स्वयं भगवान ही एक प्रकार से मनो तीन रूप में प्रत्येक दिख रहे हैं, या यूं कहो कि जो इनमें जो भगवान का चेतन जो प्रेम है वो प्रेम ही माने तीन रूप में बटा हुआ है। ऐसी जो एक प्रकार की भगवान की प्राप्ति है, भगवान से जो मिलन है वो एक अद्भुत और अलौकिक है। भगवान की जहां सारी चेष्टा भगत की आह्लाद के लिए, भगत को आह्लादित करने के लिए, भगत की सारी चेष्टा भगवान को आह्लादित करने के लिए वह करती है। जैसे गोपियों के बीच के वहां भी जो राधिका जी है वो सब समर्थ, तो राधिका जी की सारी चेष्टा भगवान को आह्लादित करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण जी की सारी चेष्टा राधिका जी को आह्लादित करने के लिए। राधिका जी क्या चीज है कि भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। जैसे तुलसीदास जी जो है कहते हैं एक तो भगवान की शक्ति माया है और एक भगवान की शक्ति भगवान की अनन भक्ति। तो वो अनन भक्ति कह दो, अनन प्रेम कह दो, आह्लादिनी शक्ति कह दो, वो चेतन है। वो एक प्रकार संसार में अवतार के रूप में आवे तो एक प्रकार से उसको आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। उसी का अवतार बतलाया जाता है कि राधिका जी। तो भगवान और राधिका जी का जो संग है वो उन दोनों के लिए तो एक संग की अलौकिक है, उनका तो नित्य संग है उनके लिए तो, किंतु दर्शकों के लिए भी वो एक अलौकिक अपने संग है। वे भी एक संग मंत्र मुग्ध की मापक सब मुग्ध हो जाते हैं। कोई भी सब जो सखियां थी जिनकी एक प्रकार से राधिका जी के साथ में लेकर के मुग्ध हो जाया करती थी, तो भक्ति के मार्ग के मां इनका बहुत अच्छा दर्जा है। किंतु ख्याल करना चाहिए ये भगवान के प्रेम की गुप्त बात कोई वाणी से नहीं कह सकता है, और जिसको ये बात प्राप्त है वो अपनी डूंडी नहीं पिटवाता। ये एक प्रकार से इस बात को मैं अनुभव करता हूँ, और जो अनुभव करता हूँ इस प्रकार की डूंडी पिटवाता है लोगों को कहता है वो वास्तव के बीच के मां उस स्थिति में स्थित ही नहीं है। वो तो अपनी मान बड़ाई प्रतिष्ठा के लिए ही एक संसार को धोखा दे रहा है, क्योंकि उसको क्या गर्ज कैसा वो कहेगा। वो तो ऐसा कहना प्रकाशित करना एक भगवान की भक्ति के मां कलंक लगाना है। जहां भगवान और भगवान के भक्त का एकांतिक प्रेम है और अनन और विशुद्ध प्रेम है, वहां उस पुरुष की तो बात ही क्या, दूसरी कोई स्त्री भी वहां प्रवेश नहीं हो सकती। तो राधा माधव का जो प्रेम है वो जो अलौकिक प्रेम है, वो प्रेम वर्तमान के बीच के मां जो ये रास वगैरह होते हैं उनमें वो चीज नहीं, वो तो एक प्रकार से संग की बल्कि एक उसमें धफा लगाने वाली चीज है, उसका एक गौरव कटाने वाली चीज है। इसी बात को ख्याल कर करके मैं वर्तमान के रास देखने के लिए मना ही किया करता हूँ, वो सदा ही करता ही रहता हूँ, वो खराब चीज है। इसलिए एक प्रकार से भगवान को नाम लेकर के इस प्रकार से जो ये लोग लीला करते हैं, भगवान से बहुत नाराज रहते हैं, क्योंकि उनका ध्येय या तो पैसा कमाने का होता है और या उनका ध्येय जो है
अश्लील व्यवहार करने का रहता है, उन्हें परस्पर एक दूसरे को झूठ खिलाना, एक दूसरे के साथ में अपने राजी काजी कसम बनकर के वो लीला करना, एक अपने को पूजाना, एक अपने प्रतिष्ठा का स्वीकार करना, ये सब उस मार्ग के में कलंक है। और इस प्रकार से उस मार्ग में कलंक लगाने वाले जो हैं उनका एक दंत में संग, ये सभी खतरनाक। वास्तव के मां प्रेम तो उनमें है नहीं, वे तो एक प्रकार से मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के किंकर हैं, वे तो दासों के दास हैं, और भगवान के नाम की आड़ में, भगवान की लीला की आड़ के बीच के मां और दूसरों को धोखा देते हैं, अपने उच्छिष्ट खिलाते हैं, अपने पैर पूजाते हैं, और कोई कृष्ण बनकर के, कोई राधा बनकर के, और उसे एक प्रकार से अलौकिक जो चीज है उसमें कलंक लगा। जैसे कोई महापुरुष या भगवान के स्थान में स्थित होकर के, या महापुरुष के स्थान में स्थित होकर के मान बढ़ाई पूजा लेता है, और भगवान समझता है कि ये मेरी भक्ति की आड़ में पाप करता है, तो भगवान एक प्रकार से प्रेम करना तो दूर रहा, तो समझता है कि ये हमारे भक्ति में प्रेम में कलंक लगाने वाला पुरुष है, ये तो गंभीर और पाखंडी पुरुष है, ये तो नीचे दर्जे का पुरुष है, तो न्याय से भगवान उसको दंड दिया करते हैं। तो ऐसे पुरुषों के संग में कभी शामिल नहीं हुआ। नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। भविष्य में समय जो है बहुत ही खराब आ रहे है, दिन प्रतिदिन देखते देखते, और समझो कि कलयुग जो है जो अपनो हम पाव सो खूब जमा, जो इस कलयुग के हवा में नहीं बहेगा समझा, उसकी तो इस लोक और परलोक में उन्नति हो सके है, अरबन की हवा लग गई तो फिर बस स्वाहा। बचने वालों के बीच के मां कोई एक परमात्मा की प्राप्ति ने वह यह बात कहे कि मनुष्य सहसेसु और कश्चित यतति सिद्धे और यतामपि सिद्धानां कश्चिन मांग नीति तत्वतः, गीता अध्याय 7 श्लोक 3। इसका यह अर्थ है कि हजारों आदमियों में कोई एक भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि के वास्ते प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, और उन प्रयत्न करने वाले पुरुषों के बीच के मां कोई एक ही उन प्रयत्न करने वाले साधकों में नहीं, प्रयत्न करने वाले सिद्धों में, जो प्रयत्न के मां अच्छी प्रकार से संसिद्ध हो गया है, ऐसे जो सिद्ध है उनमें कोई एक की मुझको तत्व से जाने, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन्हें को यहां सिद्ध कहा। एक तो सिद्ध परमात्मा ने प्राप्त हो जावे उसको कहे, और एक परमात्मा की प्राप्ति के नजदीक पहुंच जावे वह नहीं कहे। जैसे गीता के मां 7वें अध्याय के 19 श्लोक के मां जो महात्मा शब्द आए हुए, वो तो परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष को वाचक है। बहु नांग जन्म ना मंगते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव स्मृति से महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान जो है, जो कुछ सब वासुदेव है, इस प्रकार से थी भगवान कहते हैं कि मुझको भरता है, और वह महात्मा अति दुर्लभ है। और एक उसको भी महात्मा कहा कि जो साधक है जिसमें देवी संपदा के लक्षण आ गए, महात्मा न सुमान पार्थ है देवी प्रकृति माश्रित है, भजन तन मनसो ज्ञातवा भूतादि मध्यम। यह गीता की 9वें अध्याय के 13 के श्लोक में भगवान ने यह बात कही। क्या भगवान कहते, इसका अर्थ यह है, देवी संपदा
कि आश्रित जो महात्मा है जिनमें 16 अध्याय के 3 श्लोक आरंभ के जो देवी संपदा के जिनमें घटते हैं, उत्तम गुण और उत्तम आचरणों का समूह, उसका नाम है देवी संपदा। देवी संपदा के आश्रित महात्मा जन अनन मन से भगवान के मुझको निरंतर भजते हैं। भजन चन मनसो ज्ञातवा भूतादि मध्यम, भूतों का आदि और अविनाशी मुझको जान करके अरवे मुझको भजते हैं, वे भी महात्मा ही हैं। तो इसी प्रकार से थी यतता सिद्धा नाम, यत्न करने वालों के बीच के मां जो साधन के मां परिपक्व हो गए हैं वह सिद्ध, उन सिद्धों के बीच के मां कोई एक मनुष्य मुझको तत्व से जानता है। तो अपने तो ये कोशिश करनी चाहिए कि साधन करने वालों के बीच के मां तो समझो कि कम से कम हम लोगों को समझना ही चाहिए सबको, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे, हजारों आदमियों में कोई एक मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। तो प्रयत्न तो हम लोग सब करते ही हैं, सत्संग के वहां जो भाई लोग आते हैं अधिकांश के बीच के वहां ये प्रयत्नशील तो हैं अपनी बुद्धि के अनुसार। उन प्रयत्न करने वालों के वहां कोई एक, मान प्रयत्न करने वालों हजारों में कोई एक नहीं, यहाँ बहुवचन है, यहाँ सहस्र शब्द नहीं है। प्रयत्न करने वाले कितनों में ही कोई एक मुझ परमात्मा को तत्व से अपने सो जानता है, तो कोई एक उनमें जानने वाला कोई एक होता है। तो उस श्रेणी में तो आपने कम से कम होना चाहिए। अब पहली सीढ़ी के मां एक प्रकार से हम लोग आइए कि हजारों आदमियों में कोई एक परमात्मा की प्राप्ति के वास्ते प्रयत्न करे, क्योंकि एक प्रकार से संसार के मां करोड़ों आदमी हैं, तो उनके बीच के मां समझो कि बहुत कम संख्या में हुई। तो अब प्रयत्न करने वालों के बीच के मां जो उत्तम दर्जो है वो अपन प्राप्त करनी चाहिए। अब समय तो बहुत कम रह गया है, तो इसे कलयुग की हवा से बचना चाहिए। कलयुग की हवा यह है कि ऐस आराम स्वाद सुखिनी भोग, ये जो संसार के जो पदार्थ है इससे बचना चाहिए। अभी अपने घर के वहां विवाह है तो एक प्रकार से अपना सगा भी बढ़िया है, तो अपने समझो कि वह भी अपन बचाना चाहे, तो फिर अपने तो बचना ही चाहिए। ये प्रमाद से और से कल कितनी मिठाई वगैरह लिखाई, फिर एक प्रकार से संशोधन करके संख्या घटानी थी। उनके कहने पर संख्या घटाना तो एक प्रकार से घटानी पड़े, किंतु बिना के आप घटा दे तो भी कोई अर्ज की बात नहीं, वह तो मारे ढबका ही है। अरे थोड़ी इज्जत रहा करता हो तो वहां से कुहा दे ना सका, या थे मारे घर का हो जिया वह मारे। कल रात में बातचीत हुई तो मैंने उनकी मिठाई की संख्या जिया बतलाई, नई नई मिठाई, मैं तो नाम को नहीं जाऊ मारा तो उठा वहां समझो कि इस प्रकार से इतना विस्तार नहीं किया जा रहा है, उससे झूठ अधिक पड़े तो इसको तो सुधार करना चाहिए। जितना जो राज टिप्पण है ये भी एक प्रकार से कलयुग को ही आपने प्रभाव है, और तामसी प्रणव जी को तो साक्षात कलयुग की मूर्ति है। इस समय के बीच के मां तुलसीदास जी बेचारे पहले ही कह गए कि जब कलयुग आएगा तो एक प्रकार से दम्भ पाखंड इनको बड़ो भारी प्रचंड जोर हो, और इतनो घोर विरोध करते हुए भी आप लोग देखते देखते ये बात हो रही, आप लोग हम लोग सब मर जाएंगे उसके वक्त में तो क्या दशा होगी सो भगवान ही जाने। तो आप लोग माने सब मदद करो और अपने सब मिलकर के ऐसी चेष्टा करो कि अपने तो उसे बचे, संसार को बचना तो मुश्किल,
अपना एक प्रकार से खूब सावधानी के साथ के वहां काम लेना चाहिए, बड़ी चतुरता से बड़ी कुशलता के साथ काम लेना चाहिए। एक तो जो दम्भी पाखंडी आदमी है उनसे दूर रहना चाहिए, और उनके संग करने वालों से भी दूर रहना चाहिए। मां को संग भी बहुत खराब, जैसे मैंने तीन आदमियों का नाम प्रधान बताया था, दो पुरुष एक स्त्री, की जो दम्भ और पाखंड को प्रचार कर रहे हैं उनसे अपन बचना चाहिए। उनके सिवा और भी लोग एक प्रकार से चारों तरफ ये प्रचार हो रहे संसार के बीच के मां, उनसे भी बचना चाहिए। लक्षण मैं आपको बताऊं कि कोई भी हो ये लक्षण जहां देखे वहीं अंधकार है। एक तो स्त्रियों के झुंड में रह के चाहे साधु हो और चाहे गृहस्थी हो और चाहे ब्रह्मचारी हो, एक प्रकार से वहां खतरे की बात। दूसरी बात यह है कि अपनों जो फोटो जो है सो अपने पुजारे या अपनों फोटो को विकीर्ण करे तो वहां भी अंधेरे समझना चाहिए, और अपना जो समझो कि पैर पुजारे या चरण धो के लोगों ने चरना मत दे या अपने चरना की धूली दे रहे या भोजन करके अपने झूठ है सो खिला रहे या झूठ ने प्रसाद को रूप दे रहे, वो भी सो दम है। मैं तो इसलिए भी दम मानू हूं कि जैसे मैं आपकी रसोई में भोजन कर रही हूँ और आपकी रसोई को जो भोजन है जिसका आदर दे करके के मैंने प्रसाद को रूप दे रहे, तो मैं तो बेदे भी दम समझ। तो इस बात से भी सब नापा ने बचना चाहिए। विशेष में मैं मारे घर पर भोजन करूं और मारे रसोई में से कोई बाहर की स्त्री या कोई बाहर को आदमी आकर के इस उद्देश्य से भोजन करे कि ये जैजिया और घर है और ये पवित्र है, यहाँ अपने भोजन करने से अपनी आत्मा को सुधार हो सी, और ये मालूम हो जाए तो मैं निषेध कर दूंगी। अपने घर के ऊपर कोई आकर भोजन करे तो अतिथि के नाते मैं वो सत्कार कर लू, अपन कर्तव्य है कि भी ठीक है बाहर के आदमी आए हैं तो ये अतिथि है तो भोजन करा दो, किंतु वास्तु के बीच के मां वो इस भाव से करे कि ये पवित्र है भोजन करो तो मैं वो घोर विरोध करू। मैं जैसे बांकड़े से यहाँ आऊ, अरे मेरे साथ के वहां कले लिया कर वो बच जा तो वो घर में चाहे किसी प्रकार से बरता दे, मैं कि कोई बात नहीं बरता ही हुए, पर मैंने कोई प्रसाद को रूप दे करके समझो कि मैंने भोजन करना चाह रहे तो मैं वो अपने विरोध करूं। इसी प्रकार से थे हर एक बात में आप न समझ लेनी चाहिए। जैसे मैं किसी ने भोजन परोस रहे हूं तब कोई भाई परोस रहे, मैं भी परोस रहे हूँ, मेरा हाथ से परोस जी वह प्रसाद मान लिया जो मैंने मालूम हो गया तो मैंने परोस को बड़ी बंद कर मारे घर पर जी मनावे है जी कहने मैं इसी उद्देश्य से नहीं परोस हूँ कि कोई यह बात नहीं मान लिया आपके मन। ऐसे ही कहीं बरात आई वहां एक प्रकार से मेरे जान हो गये तो उस दिन भी मैं इस बात को थोड़ा ख्याल रखूं कि भी कोई यह बात नहीं मान लिया। आप लोग ने भी सावधान करना है, इस प्रकार कोई मानने वाला हो तो झट मैंने चिता देना चाहिए और मैंने भी कह देना कि भी आपने जयदयाल जी को यो मत नहीं, और भी इस बात को खूब आपने ध्यान रखना चाहिए। कहीं भी कोई भी इस प्रकार को प्रचार आपने संग्राम में करे तो मैंने भी रोक देना चाहिए। यह बड़ी खतरे की चीज है, इसको लोग समझते नहीं है, आगे जाकर जब इसको प्रणाम हुए तब समझने वाला बात आया करती नृत्यवा समझ हुई है पहला से। इसलिए एक प्रकार से मैं इसको घोर विरोध करूं, संभव है कि जिस प्रकार को इस विषय को आपने जो दम्र पाखंड है को मैं जो विरोध करूं लिखूं व्याख्यान में कहूं ऐसे शायद ही कोई दूसरा आदमी विरोध कर तो फिर भी एक प्रकार से थी आपने लोगों की आंख नहीं खुले तो मैं फिर उसको क्या उपाय कर। तो सबसे यही प्रार्थना है कि भविष्य के लिए अपन और भी ध्यान देना चाहिए, सावधान होना चाहिए।
इस समय के बीच के वहां साधुओं के गृहियों के चारों तरफ एक प्रकार से थी दम्र पाखंड को बड़ो जोर है, क्यों कलजुग है ना, भगवान ही बचाओ तो हम लोग बच सकते हैं, नहीं तो बड़ी मुश्किल की बात है। इस समय के बीच के वहां साधु महात्माओं में गृहियों के बीच के वहां बहुत कम आदमी मिलेंगे जो अच्छे उच्च कोटि के पुरुष हों। एक इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए, जो अपने को उच्च कोटि का बतलाता है वो उतना नीचे दर्जे का है कि जितना वो अपने को ऊंचे दर्जे का बतलाता है। और कोई भी आदमी या कहे कि मैंने समझो कि भगवान का दर्शन हुए है तो बेटा तो बाबा जी की झोली में जेड़े से मैं, जब मैंने भगवान का दर्शन होगा तो मैं आपने कहने के लिए क्यों जाऊंगा, हरिया कहूं कि भाई एक प्रकार से या बड़ी रहस्य की बात है, गुप्त बात है, और मैं आपके प्रति यह बात कहूं आप मेरा प्यारा हो इसलिए मैंने क्या गर्व है, तो ये और ज्यादा दम्भ की बात है। तो हरेक माता बहनों को भाइयों को इस आपने पाखंड धर्म से बच करके रहना चाहिए, ये बड़ी खतरे की चीज है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।